जय श्री गणेश आय नमः मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। मित्रों, ग्रहण हमेशा जब भी आते हैं जोड़े में आते हैं, सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण, दो या तीन के जोड़े में आते हैं। ग्रहण का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में बदलाव की तरफ इशारा करता है। जो बदलाव हमारे जीवन में आने वाले हैं, जो बदलाव हमारे जीवन में होने वाले हैं, उनकी तरफ इशारा करता है। ग्रहण का शुभ या अशुभ प्रभाव नहीं होता है, यह हमेशा हमारे जीवन में आने वाले बदलावों की तरफ इशारा करता है। जब व्यक्ति उन बदलावों को अपने अंदर समाहित नहीं करना चाहता, उन बदलावों को फॉलो नहीं करना चाहता, तो क्या होता है, उसके लिए वो परिणाम अशुभ हो जाते हैं। जिसने बदलाव को बहुत आसानी से अपने अंदर समाहित कर लिया, अगर प्रकृति हमें बदलने का इशारा कर रही है कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए, हमको बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, तो हमारे लिए जो ग्रहण होगा वो शुभ प्रभाव ही देगा। शुभ या अशुभ प्रभाव नहीं होता। ग्रहण बहुत ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, ईश्वर से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जो हमारे अंदर की भावना होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं बहुत समय से नहीं कर पा रहे हैं, काम में हमारे रुकावटें आ रही हैं, ग्रहण के समय अगर हम अध्ययन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हमको क्लैरिटी आ जाती है कि हमको ये काम करना है या नहीं करना है, हम इसमें सफल होंगे या असफल हो जाएंगे। अगर आपको पहले से ही मालूम है कि आपको किसी काम को करने जाएंगे और उसमें आप असफल होंगे, तो या तो आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, दूसरे तरह से प्रयास करेंगे, या आप किसी दूसरे रास्ते से किसी दूसरे काम को चुन लेंगे। हमारे अंदर बहुत सी बुरी आदतें होती हैं जो अंदर बहुत दिनों से हमारे अंदर बैठी हुई हैं, वो भी हमको एक कंफर्ट जोन में लेकर के आती हैं। तो ग्रहण हमारे जीवन में हमको हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए होता है बेसिकली। तो जब आप कोई भी आदमी आपको कोई भी चीज़ अगर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगी, तो उसके आपको बुरे प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। आपको लगता है ना, एक अनइजीनेस आ गई, यार हमारे कंफर्ट जोन से आपने हमको बाहर निकाला है। तो इसलिए ग्रहण का प्रभाव जो कहा जाता है ना कि अशुभ प्रभाव है, इस वजह से अशुभ प्रभाव होता है। मित्रों, ग्रहण में कुछ नहीं करना होता है आपको, मैं बहुत छोटी छोटी दो तीन बातें बताने जा रहा हूँ, इसको फॉलो करिएगा इस ग्रहण में। और अगले आने वाले 3 महीने मार्च तक इस ग्रहण का असर रहेगा। हर ग्रहण का असर 2 से 3 महीने तक रहता ही रहता है। अगले 2-3 महीने जब आप इसको फॉलो करेंगे, आज ग्रहण वाले दिन जब आप इसको फॉलो करेंगे, आपको अगले 2-3 महीने बहुत सी चीज़ें अपने अंदर पॉजिटिव नज़र आएंगी। आपको बहुत से जो आपका गोल था, आपका जो लक्ष्य था जिसको आप नहीं पा पा रहे थे, या आपको दिक्कतें आ रही थी, तो वो गोल आपके सामने क्लियर हो जाएगा। आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है, किस रास्ते से पहुँचना है, आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी कि उसको कैसे करना है और क्या करना है, और आपको दिखेगा कि आपका गोल जो भी है वो आपके सामने है और आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ग्रहण वाले दिन पूरा दिन आपको मंत्र बहुत सारे होते हैं, तरीके बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ मैं सबसे सरल और सबसे अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। पूरा दिन कुछ नहीं करेंगे, चंद्र ग्रहण है, शिव जी की पूजा करनी है और कुछ नहीं करना। मंदिर जा नहीं सकते, मंदिर के पट बंद होते हैं। घर में भी अगर आपके प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं तो आप पूजा नहीं कर सकते। कुछ घरों में क्या होता है कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तो आप उसकी भी पूजा नहीं कर सकते हैं। ग्रहण के बाद भगवान को नहला धुला करके साफ करके आप पूजा कर सकते हैं, भगवान को मत छूइए। पूरा दिन चलते फिरते, या अगर आप कहीं आसन में बैठ सकते हैं ग्रहण के समय में, अगर आप आसन पर नहीं बैठ सकते तो चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय, नमः शिवाय, यह शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय। आप जितना अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं जाप करिए, आपको निश्चित फल मिलेगा। आपको आपकी भावनाओं से, आपको अपने इंटरनल सोल से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको अंदर जो आपके सवाल थे जिनका आपको जवाब नहीं मिल रहा था, आप इसको करके देखिएगा पूरा दिन, आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फ़ायदा होगा। और ये अचूक उपाय है, पूरा दिन आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय का जाप करिए। मित्रों, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ग्रहण के अशुभ प्रभाव होते हैं। शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, ग्रहण सिर्फ जो होता है हमारे परिवर्तन की ओर इशारा करता है। जो हमारे मन के ऊपर एक परत पड़ी हुई है,
जिसकी वजह से हमको लगता है कि हाँ हम ही सब कुछ हैं। नहीं, हम सब कुछ नहीं है, जो है वो हमारे ईश्वर हैं। आई नहीं होता कभी भी, आई और मी नाम का कोई शब्द नहीं होता। जब आप आध्यात्म पढ़ेंगे और बहुत अंदर तक जाएंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जो है ईश्वर करा रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो अगर उन्होंने आपको चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए कुछ किया है, कोई इशारा दिया है, तो उसको फॉलो करिए। जब आप उसको फॉलो करेंगे आप सफल होंगे। आप हो सकता है कि उसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हों। जब ईश्वर ने, ब्रह्मा ने रचित किया था, तो हो सकता है कि उसी के लिए आपको रचित किया हो। तो जब आप उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके ग्रहण के जो अशुभ प्रभाव हैं आपके ऊपर कभी नहीं पड़ेंगे। तो इसको करके देखिए मित्रों, सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय का जाप करिए। मित्रों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और गौ सेवा जैसे पुण्य के भागीदारी बनिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।